कनाडा की गलियों से निकलकर इस खूबसूरत दुनिया की वादियों में अपने जुनून की आधी लाने वाला कनाडा का एक ऐसा बंदा जिसने कैंसर के इलाज के लिए 5,373 किलोमीटर की मैराथन दौड़ स्टार्ट की थी। एक अपंग बंदा जिसने खुद से वादा किया था कि कैंसर के इलाज के लिए 24 मिलियन तक का फंड इकट्ठा करेगा और इस बंदे ने कर दिखाया भी। उसके इन कर्मों को दुनिया का कोई भी बंदा कभी भी भूल नहीं पाएगा। टेरी फॉक्स एक कैनेडियन एथलीट था जो बचपन में बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, पर हाइट कम होने के कारण इस बंदे को काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर भी इस बंदे ने कभी भी हार नहीं मानी और कई गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को बता दिया कि जीत के लिए ताकत की नहीं नियत की जरूरत होती है। और वो नियत और वो जीत इस बंदे में कूट कूट कर है। 1976 में इस बंदे का कार एक्सीडेंट हो जाता है और इस कार एक्सीडेंट में इस बंदे के एक पैर में कैंसर हो जाता है। इस बंदे ने सपनों की दुनिया में एंट्री ली ही थी, पूरे सपने तहस नहस हो गए और इस घटना के बाद इस बंदे का एक पैर काट दिया जाता है। इस सर्जरी के दौरान फॉक्स का एक फैक्ट पता चलता है कि अगर यही घटना इस बंदे के साथ 2 साल पहले होती तो इस बंदे का बचना सिर्फ 15% ही संभव था। तब इस बंदे को समझ में आ गया कि कैंसर रिसर्च कितना जरूरी है हमारे लाइफ में। अपनी सर्जरी के दौरान इस बंदे ने हजारों लोगों को सिर्फ कैंसर से मरते देखा था, तभी इस बंदे ने मन में ठान लिया था कि कैंसर की दुनिया को पूरी तरह से उजाड़ फेंकेगा। अब इस बंदे का सिर्फ एक ही मकसद था कि कैंसर की दुनिया में क्रांति लाना और उसने इरादा बना लिया कि कनाडा की मैराथन लंबाई को अपने एक पैर से दौड़कर पूरा करेगा। जब अपने इस इरादे को दुनिया के सामने रखा तब दुनिया वालों ने मजाक बनाया और उसके इन इरादों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि इस बंदे की माँ को भी बिलीव नहीं था उसके इन इरादों पर। लेकिन दुनिया वाले भूल जाते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए पैरों की नहीं जुनून की जरूरत होती है। 15 अक्टूबर 1979 को इस बंदे ने ऐलान कर दिया कि कैंसर के रिसर्च के लिए वो बंदा अपने डिसेबिलिटी पर फतेह हासिल करेगा। अब ऐसी रेस शुरू हुई जो पैरों के सहारे नहीं जो जुनून के सहारे दौड़ी गई थी, क्योंकि ऐसी कौन सी रेस है जो पैरों के दम पर जीती जाती है। जिस बंदे ने अकेले अदम साहस के दम पर रेस की शुरुआत की थी आज उसी बंदे के पीछे लाखों लोगों का कारवा था। आज उसी बंदे के पीछे मीलों तक लोगों का हुजूम था। जहां फंड के लिए 1 रुपए नहीं मिल रहे थे आज वहां सैकड़ों मिलियन का फंड इकट्ठा हो गया था। आज फॉक्स के सामने मौका भी था दस्तूर भी, पर साथ खुदा को मंजूर ना था। मंजिल से कुछ मीलों की दूरी पर फॉक्स की डेथ हो गई। फॉक्स तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, पर लाखों लोग हर साल दौड़ते हैं उनके सपने को पूरा करने के लिए। फॉक्स आज भी जिंदा है उन लोगों के जहन में जो कैंसर की जंग जीत कर आते हैं। थैंक यू फॉक्स। आज के वीडियो में ना मुझे लाइक चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए, आज मुझे एक शेयर और एक कमेंट चाहिए। #थैंक यू फॉक्स। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।